अभी कोई चुनाव की बात नहीं है, अभी बिहार और बिहारियों को बचाने की बात है। उसमें बाढ़, कोरोना और अपराध मेरा तीसरा मुद्दा है, चुनाव बाद में देखें। क्या आप चाहते हैं ये COVID-19 में हो, इलेक्शन हो? जब 40% लोग निकलेंगे ही नहीं और वर्चुअल डिजिटल रैली 20% ही लोग देखेंगे तो डेमोक्रेसी जिंदा कैसे रहेगी? लोग डरी हुई है, उसमें आप चुनाव करेंगे तो लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे? बिना जनतंत्र की भूमिका को लोकतंत्र को कौन बचाएगा? सर मेरा साफ है, हम लोग चाहते हैं कि जैसे कॉमन चुनाव होता है उस माहौल में चुनाव हो और हमारी बात जनता सुने और हम जनता को समझे, तभी ना कोई जनप्रतिनिधि का चयन होगा। बैक दरवाजे और पैसे के बदौलत ये कब तक जनता और बिहार को बर्बाद करेंगे? अब जब सरकार ने जरा सा टेस्टिंग बढ़ाई तो बिहार में पता चल रहा है आए दिन 2000, 2500, 3000 कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आ रहे हैं सामने। अब तो जो लोग कह रहे थे चुनाव की बात कर रहे थे, वो ही खुद माननीय बीमार हो गए हैं। क्या अब भी वो चुनाव चाह रहे हैं? अब तो NDA में शामिल दल लोजपा चिराग पासवान जी ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा है कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए। सिर्फ JDU BJP चुनाव पर आमदा है। ऐसी परिस्थितियों में लाशों के ढेर पर आखिर वो क्यों चुनाव चाह रही है? इसका मतलब है कि उनको फेक चुनाव में विश्वास है, निष्पक्ष चुनाव वो नहीं चाहते हैं। क्या बिहार की 12 करोड़ जनता को संक्रमित करके आप चुनाव चाह रहे हैं? जब आप खुद ही बीमार हैं तो फिर अब बिहार की जनता की चिंता कौन करेगा? बिहार की जनता को भी आप बीमार करना चाहते हैं चुनाव कराकर।